हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके पेपर 12th की 4th यूनिट में वर्णित सोमेटिक सेल जेनेटिक्स एंड अल्टरनेटिव अप्रोच टू जीन मैपिंग को समझेंगे। तो इसके पहले पार्ट में हम देखेंगे कि सोमेटिक सेल्स क्या है और इस सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। दूसरे जो पार्ट है उसमें हम सोमेटिक सेल जेनेटिक्स के थ्रू जीन मैपिंग कैसे की जाती है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोमेटिक सेल क्या होती है, यानी कि कायिक कोशिका, वेजिटेटिव या कायिक कोशिका, जिसे हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव या जनन कोशिका के अलावा जो सेल्स होती है उसे सोमेटिक सेल्स कहा जाता है। बॉडी में स्पर्म या और जो एग सेल है उसको छोड़कर या इसके अतिरिक्त जो भी कोशिका होती है उसे हम सोमेटिक सेल कहते हैं। ये डिप्लॉयड होती है, अर्थात दे कंटेन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। इनका इनहेरिटेंस में कोई योगदान नहीं होता है। सोमेटिक सेल्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द सेल डिवीजन प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। दे कंटेन टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, वन फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स मदर एंड वन फ्रॉम देयर फादर। सेल्स विद टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम आर कॉल्ड डिप्लॉयड। एट प्रेजेंट सोमेटिक सेल जेनेटिक्स का जीन मैपिंग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इस तकनीक में जीन्स का ट्रांसफर जो होता है वो पैरास्ट्रक्चरल मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है उसमें। इसमें इस विधि में क्या होता है कि सेक्सुअल मैकेनिज्म के अतिरिक्त जो भी विधि है उसे काम में लेते हैं। इस विधि में दो सोमेटिक सेल्स यानी कि कायिक कोशिकाओं का फ्यूजन या हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संगलन किया जाता है। इसमें सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और हम कई तरीकों से इस विधि को संपन्न कर सकते हैं, जैसे कि सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे हो सकती है। इस विधि में डोनर से रेसिपिएंट सेल में होल जीनोम ही ट्रांसफ़र किया जाता है। एक तरीका तो ये है, जैसे कि एक कल्चर्ड ह्यूमन सेल या मानव कोशिका को माउस सेल से फ्यूज़ कराया जाता है। इसके लिए जो फ्यूजोजेनिक एजेंट काम में लेते हैं वो है एक तो सेंड्राई वायरस या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, जिनकी हेल्प से फ्यूजन या संगलन कराया जाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में ह्यूमन सेल व माउस सेल का इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में ह्यूमन सेल व माउस सेल का जो फ्यूजन करवाया जाता है उसमें वेक्टर के रूप में सेंड्राई वायरस का प्रयोग किया जाता है। सेंड्राई वायरस आपने नाम सुना होगा, तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। सेंड्राई वायरस को म्यूरिन रेस्पायरो वायरस या म्यूरिन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1 भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले जापान के सेंडाई सिटी में आइसोलेट किया गया था, इसी कारण से इसका ये नाम दिया गया है। यह एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। यह टिपिकली रोडेंट्स या चूहों आदि जो कुतरने वाले जीव हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन ये ह्यूमंस या डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक नहीं होते हैं, उनमें कोई रोग पैदा नहीं करते हैं ये। इट हैज़ बीन एक्टिवली यूज्ड इन रिसर्च एज अ मॉडल पैथोजन। सेंडाई वायरस में यूकैरियोटिक सेल्स को फ्यूज करने की एबिलिटी होती है तथा इसके फलस्वरूप सिनकाइटियम का निर्माण होता है, जिसे हाइब्रिडोमर प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है। रिसेंट में सेंडाई वायरस का प्रयोग स्टेम सेल्स वह सोमेटिक सेल्स रिप्रोग्रामिंग में काम लिया जाता है। इसका संडई वायरस होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट नहीं होता है और न ही ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होता है। इट रेप्लिकेट्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म विदाउट डीएनए इंटरमीडिएट्स और अ न्यूक्लियर फेज, एंड इट इज नॉट कॉजिंग एनी डिजीज इन ह्यूमंस और डोमेस्टिक एनिमल्स। सेंडई वायरस में कई सारे अटैचमेंट पॉइंट होते हैं, जिसके कारण यह एक ही टाइम पर दो डिफरेंट सेल्स से अटैच हो सकता है। वायरस के बहुत ही सूक्ष्म आकार के कारण जो दो फ्यूज होने वाली सेल्स है वे बिल्कुल पास पास आकर फ्यूज हो जाती है। दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज होकर
दो से एक कोशिका बन जाती है जिसे कि बाइन्यूक्लियेट या हेट्रोकैरियन कहते हैं। बाइन्यूक्लियेट या हेट्रोकैरियन का क्या मतलब है? बाइन्यूक्लियेट, बाई यानी कि दो, न्यूक्लियेट दो न्यूक्लियस, यानी कि एक ही कोशिका में दो न्यूक्लियस का पाया जाना, यानी कि जिसका साइटोप्लाज्म तो एक ही हो लेकिन उसमें केंद्रक दो होते हैं। और हेट्रोकैरियन भी इसी तरीके का शब्द है, हेट्रो यानी कि विषम केंद्रकी, यानी कि एक ऐसी कोशिका जिसका साइटोप्लाज्म तो सेम हो लेकिन दो अलग अलग कोशिकाओं के केंद्रक इसमें सम्मिलित होते हैं। ह्यूमन सेल व माउस सेल जो फ्यूज होकर जो हेट्रोकैरियन बनता है, अब उसमें आगे कई सक्सेसिव सेल डिवीजन होते रहते हैं जिससे हाइब्रिड सेल में ह्यूमन क्रोमोसोम की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि जब सक्सेसिव आगे से आगे माइटोसिस सेल डिवीजन होता ही रहेगा तो क्रोमोसोम की संख्या में तो कमी आती जाएगी आगे की जो कोशिकाएं हैं। अब जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अब जब ह्यूमन क्रोमोसोम की संख्या कम आने लगती है तो कम आने से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या कम है तो हम आसानी से उसका एनालिसिस कर सकते हैं, अगर ज़्यादा होगी तो हम एक एक क्रोमोसोम को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इनकी मॉर्फोलॉजी को समझ सकते हैं, इसके बैंडिंग टेक्निक का यूज़ किया जाएगा इसके अंदर, जिसमें कि जी बैंडिंग, जिसमें कि जीम्स स्टेनिंग की जाती है, उससे क्या होगा कि उससे क्रोमोसोम का एनालिसिस किया जाएगा। इसे जी बैंडिंग भी कहते हैं, जो कि कंडेंस्ड क्रोमोसोम का कैरियोटाइप एनालिसिस किया जाता है। इसमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में कई वेरिएंट्स भी काम कर सकते हैं। जो जी बैंडिंग टेक्निक है उससे जीम्स स्टेनिंग जो यूज़ की जाती है उससे जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में हम अंतर को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम कितना बड़ा है और कितना छोटा है, और माउस सेल से हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि माउस सेल अलग दिखाई दे रहा है और ह्यूमन क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है अलग से, तो आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी को। और इसी प्रकार से कैरियोटाइप एनालिसिस कर सकते हैं जो कि क्रोमोसोम मैपिंग के लिए आवश्यक है। अब जो वेरिएंट्स जो यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे कि कुछ टेक्निक एक या कुछ क्रोमोसोम, जैसे अभी तो हम क्या कर रहे थे कि होल जीनोम ही हम ट्रांसफ़र कर रहे थे रेसिपिएंट सेल में, डोनर सेल से। दूसरी जो टेक्निक है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट या केवल एक ही क्रोमोसोम को डोनर से सेपरेट करेंगे और उसके बाद उसको रेसिपिएंट सेल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस, इसमें प्रॉब्लम यही है कि बस थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है और इसमें कोल्चिसिन की हेल्प ली जाती है, जो कि क्या है, माइक्रो न्यूक्लिक कंटेनिंग क्रोमोसोम फॉर्म करता है। इससे माइक्रो न्यूक्लिय यानी कि सूक्ष्म केंद्र की क्रोमोसोम का निर्माण होता है। फिर इसमें साइटोकैलासिन बी एड किया जाता है एंड देन सेंट्रिफिकेशन किया जाता है। सेंट्रिफिकेशन से क्या होगा, उससे माइक्रोन्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रोन्यूक्लियाई तो बहुत हल्के होते हैं और साइटोप्लाज्म में बहुत सी कंटेंट रहते हैं तो वो हैवी रहता है। सेंट्रिफिकेशन से ये सारे ऊपर आ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर इन सूक्ष्म केंद्रकों को सेंडाई वायरस की हेल्प से रेसिपिएंट सेल से फ्यूज कराया जाता है। ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई सूक्ष्म केंद्रक सेपरेट हो गए क्योंकि वो साइटोप्लाज्म से आसानी से अलग हो गए, तो अब हम इसको डायरेक्ट रेसिपिएंट सेल से फ्यूज करा सकते हैं। इसमें सेंडाई वायरस का यूज होगा जो कि वेक्टर के रूप में काम आता है। और अन्य तरीकों में एक तो ये तरीका है, और तीसरा तरीका क्या है, मेटाफेज क्रोमोसोम को सेल से सेपरेट करके उसे कैल्शियम फॉस्फेट के साथ प्रेसिपिटेट करेंगे, उसे अवक्षेपित करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ अवक्षेपित करते हैं, उसके बाद रेसिपिएंट सेल से फ्यूज कराया जाता है, कल्चर सेल में ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद इससे क्रोमोसोम की रीजनल मैपिंग में मदद मिलती है, क्योंकि मेटाफेज क्रोमोसोम बहुत डिवीजन की जो वो जो स्टेज है उसमें हम आसानी से उसका स्ट्रेच फॉर्म देख सकते हैं, तो इससे जो क्रोमोसोम की रीजनल या एक किसी भी क्षेत्र की मैपिंग बनाने में मदद हमको मिलती है। और एक अन्य तरीके में जिसे डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर भी कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम से ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेनेटिकली, ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम आइसोलेट करते हैं, अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं
जो कि जेनेटिकली एक्टिव है। जेनेटिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है कि जो एक्टिवली मैसेंजर आरएनए वगैरह बना रहा हो, उससे क्या आगे की प्रोटीन्स या आगे फॉर्मेशन हो सकता है किसी भी स्ट्रक्चर का। तो ऐसे फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, उन्हें पहले प्लाज्मिड में इंटीग्रेट कराया जाता है और इसमें प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू क्लोनिंग कराकर फिर रेसिपिएंट सेल में इनकॉर्पोरेट किया करते हैं। तो उसमें भी हम सेंडई वायरस का यूज़ करा सकते हैं, क्योंकि फ्यूज़न के लिए हम सेंडई वायरस बहुत अल्टीमेट सोर्स है, तो वो हम करा सकते हैं। तो ये तो थी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कराया जाता है, दो सेल को फ्यूज कैसे कराया जाता है। अब आगे की जो सेकंड पार्ट है, उसमें हम देखेंगे कि फ्यूज़न कराने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से फ्यूज़न होता है, और जो स्ट्रक्चर बनती है, जो प्रोसेस है, उसमें हम फिर मैपिंग कैसे करते हैं। थैंक यू।